हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है अंकित एडवाइस के यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, या फिर आप बोल सकते हैं कि वो हम सबको थोड़ा सेक्रेट रहना चाहिए हर एक मिशन पे, जहाँ पर बहुत सारे ऐसे जगह हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे हमारी ऐड, हमारी जो पूरी डाटा है वो चोरी हो जाती है और हमें कुछ पता नहीं चलती। कई बार आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप पे तो अब ऐड आने लगे हैं, आपको नहीं शायद होगा कभी, लेकिन मुझे बहुत बार ऐसी ऐड देखने को मिली है व्हाट्सएप पे। तो एक सबसे पहली न्यूज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब आपको व्हाट्सएप पे भी ऐड देखने को मिलेगा, जैसे कि आप YouTube पे देख पाते हैं, जैसे कि आप अन्य ऐप में देख पाते हैं कि ऐड हमें दिखाई दिया। कई बार क्या होता है कि हम ब्राउजिंग किए, कुछ सर्च किए, जैसे कि मान लीजिए कि हम एक टी शर्ट सर्च कर रहे हैं Flipkart के द्वारा, और वो ऐड हमारी चोरी कर लेती है, और जैसे हम WhatsApp खोले, WhatsApp पे हमें वही टी शर्ट की ऐड दिखाई देता है कि आप खरीद लीजिए। तो ये डाटा चोरी हो रही है, ये आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो चुपके से कर रहा है। बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, जैसे कि मान लेते हैं बहुत सारे हैं, डियो रिकॉर्डर जो है, ये भी बहुत ऐसे डेंजरस ऐप में ही आते हैं जो कि हमारे डाटा चोरी करते हैं। अगर आप डियो रिकॉर्डर यूज़ करते हैं तो ये भी आपके लिए रिस्की हो सकता है। और बहुत सारे ऐसे ऐप मतलब प्ले स्टोर पर अवेलेबल हैं जो कि कॉन्टेंट ऐड है। कॉन्टेंट ऐड का मतलब है कि वो आपका डाटा चोरी करेगा। जब आप ऐप को सिंग इन करेंगे, जब आप ऐप को ओपन करेंगे, तो उस समय आपको अलाउ सेक्शन का बहुत सारे अलाउ 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 मांगेंगे, कॉल, मीडिया, SMS, मतलब उससे मतलब ही क्या है। तो ये सब बहुत सारे ऐसे डाटा चोरी वाले ऐप हैं, और WhatsApp भी अब ऐड देगा, मुझे तो बहुत बार देखने को मिला, आपको शायद नहीं मिला होगा, और आपको मिला है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। और एक है GB WhatsApp, अगर आप GB WhatsApp यूज़ करते हैं तो ये तो बहुत ही डेंजरस है। ये WhatsApp तो हम कभी भी नहीं बोलेंगे कि आप यूज़ कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये WhatsApp आपका डाटा चोरी करता तो है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये WhatsApp आपका डाटा चोरी करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आपको दिखाएगा ऐड, और वो कुछ पैसे कमा लेंगे। लेकिन यहाँ पर GB WhatsApp या फिर और सारे ऐप जो हैं वो अगर डाटा चोरी करते हैं तो वो आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। इसलिए GB WhatsApp या फिर ऐसे कोई ऐप से आप यूज़ ना करें जो कि कॉन्टेंट ऐड है, क्योंकि ये सब आपके लिए बहुत रिस्की साबित हो सकता है। और भी बहुत सारे ऐप हैं, मैं तो सारे बोल नहीं सकता हूँ, एक बार पहले भी वीडियो में मैंने बताया है कि बहुत सारे डेंजरस ऐप के बारे में, जैसे कि बहुत सारे हैं, मैं कितना बताऊँगा आपको, टोटल 100 कुछ ऐप हैं जो कि कंटेंट ऐड है और पूरे डेंजरस हो सकता है। तो आप ऐसे ऐप पे ध्यान दें, ऐसा नहीं कि कोई कुछ बोला, ऐड में देख लिया, ऐप को गया और डाउनलोड कर लिया, तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। और ध्यान रखें अपने फ़ोन पे, अपने डाटा पे, क्योंकि फ़ोन में बहुत सारे ऐसे ऐप रहते हैं जो कि हमारे अकाउंट रहते हैं उसमें जुड़े हुए, या फिर हमारे डेबिट कार्ड रहते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड रहते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, तो ये सब, पेटीएम, तो ये सब को आप अगर बचाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हाँ मेरा पूरा डाटा सीक्रेट रहे, तो आप ये सब फालतू ऐप को यूज़ ना करें। और WhatsApp भी अब ऐड देगा, देखिए क्या होता है अब इसके पीछे। तो अब आने के बाद ही, जैसे ही सबको आ जाता है, तो देखिए बहुत लोग को तो आ चुका है और बहुत लोग को आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।